हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत हुई, जो कि 31 मई तक रहने वाला है। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल होगा कि क्या यहाँ पे चौथा लॉकडाउन उसके बाद भी बढ़ने वाला है, यानी दोस्तों पांचवी बार लॉकडाउन भी लगने वाला है। तो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। क्या 31 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ने वाला है, और साथ ही साथ आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको यहाँ पर आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, यानी 31 मई के बाद भी लॉकडाउन होगा या फिर नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, यानी दोस्तों जब मार्च में लॉकडाउन लगा था, तब उस समय आपको किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिली थी, और दोस्तों लॉकडाउन 2 में भी आपको किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिली थी। अब बात करते हैं लॉकडाउन 3 की, तो लॉकडाउन 3 में इसमें आपको कुछ छूट देखने को मिल गई थी। और अब बात करें यहाँ पर लॉकडाउन 4 की, तो आपको बहुत ज्यादा छूट देखने को मिली है। अब बात करते हैं कि दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली में, आपको पता ही होगा कि दिल्ली में बहुत ज्यादा छूट देखने को मिली है, यानी दोस्तों कोई भी यहाँ पर मार्केट है या कोई शॉप है, या फिर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग की, तो आप यह सब अब कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर बहुत अच्छी छूट देखने को मिली है, यानी दोस्तों लॉकडाउन के बावजूद भी आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा छूट मिली है। और दोस्तों, इसके साथ साथ बात करें रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ पे 1 जून से सभी यात्रियों के लिए रेल सेवाएं स्टार्ट हो जाएगी, यानी दोस्तों 1 जून से 500 नई ट्रेन चलाई जाएंगी। जो कि अब अपन बात करें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की, यानी बुकिंग की, कि आप किस तरीके से टिकट बुक करवा सकते हैं, तो उसके लिए आपको IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, और वहां से जाकर आप अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि 1 जून से पूरी तरीके से रेलवे स्टेशन खुल जाएगा, यानी दोस्तों नई नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। अभी तक सिर्फ प्रवासी मजदूरों और श्रमिकों को सुरक्षित अपने शहर तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेनें ही सरकार की तरफ से चल रही थी, पर अब 1 जून से कोई भी आम व्यक्ति ट्रेन में टिकट बनवाकर, यानी रिजर्वेशन करके सफर कर पाएगा। हालांकि ट्रेन का सफर करने से पहले यात्रियों को नियम का पालन करना पड़ेगा, उसके बारे में यात्रियों को बता दिया जाएगा। और अब बात करते हैं यहाँ पर बस सेवाओं की, तो आप सभी को पता ही होगा बहुत सारे शहरों में प्रवासी मजदूरों और श्रमिकों के लिए बस सेवाएं भी खोली जा चुकी हैं। यानी दोस्तों बात करें, अगर आप यहाँ पर बस से यात्रा करना चाहते हैं, तो उसमें एक बस में 50 सवारी ही बैठ सकते हैं और सफर कर सकते हैं, ऐसा नियम बनाया गया है सरकार की तरफ से। और अगर छोटी बस है तो उसमें सिर्फ 25 सवारी ही बैठ सकते हैं, तो इस तरीके से आप यात्रा कर सकते हैं। अब अगर कार की बात करें, तो उसमें आपको अगर कोई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य से कार से यात्रा करनी पड़ रही है, तो आपको सबसे पहले आरोग्य सेतु ऐप से अपने शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए, यात्रा करने के लिए पास बनवाना पड़ेगा, और परमिशन लेकर आप कार से सफर कर सकते हैं। और कार में भी आगे वाली सीट में सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, और पीछे में सिर्फ 2 व्यक्ति ही साथ में सफर कर सकते हैं। इसमें भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। और अब बात करते हैं यहाँ पर फ्लाइट की, यानी कि एयरपोर्ट सेवा की, यानी दोस्तों हवाई जहाज से सफर की, तो आपको बता दूं कि अभी अभी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है कि यहाँ पर 29 मई से यहाँ पर बहुत सारी फ्लाइट सफर करने के लिए व उड़ान करने के लिए रेडी हो चुकी है, यानी टेक ऑफ करने के लिए, और इसकी टिकट बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, इतनी सारी सेवाएं खोले जाने के बाद भी क्या यहाँ पर लॉकडाउन आगे एक्सटेंड होगा या फिर नहीं? तो दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं होगा। जिस तरीके से यहाँ पर हवाई सेवाएं शुरू हो चुकी है, रेल सेवाएं शुरू हो चुकी है, बस सेवाएं, कार सेवाएं, इस तरीके सभी सेवाएं लगभग शुरू हो चुकी है। बात करें यहाँ पर होटल, मार्केट और फैक्ट्रियों की, तो ये सब यहाँ पर पूर्ण रूप से तो नहीं, यानी पूरे तरीके से तो नहीं, लेकिन आंशिक रूप से यहाँ पर खोली जा चुकी है। कम कर्मचारियों के साथ सभी फैक्ट्रियों में काम भी शुरू हो चुका है। इसलिए दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि 31 मई के बाद लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्तों अभी तक यह ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों सभी को यह लगता है कि लॉकडाउन तो अब आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि सारी सेवाएं खुल चुकी है, यानी दिल्ली में भी बहुत सारी सेवाएं खुल चुकी है, और धीरे धीरे करके पूरे भारत में भी यहाँ पे लॉकडाउन को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। और आप सभी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या फिर नहीं। तो आपने मेरी बात तो सुन ही ली होगी कि लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ने वाला है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल घोषणा कुछ भी नहीं हुई है, इसलिए आप इसे एक तरीके से इसे ऑफिशियल ना समझें, क्योंकि यह मैंने आपको पूरी तरीके से पूरे तथ्यों के साथ बताया है। तो इसलिए आप इसे ऑफिशियल ना समझें। मेरे पास जितने भी खबरें आई हैं, उसे देखते हुए मैंने आपको पूरी तरीके से सब कुछ सच सच बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको यह
वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ आप कमेंट में जरूर बताइए कि क्या लॉकडाउन 4 दोस्तों 31 मई के बाद बढ़ने वाला है या नहीं, जरूर हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।